अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। आज मैं जो है न्यूज़ चैनल पर आने की वजह यह है कि जो है जो म्युनिसिपैलिटी के अंदर मीटिंग के बाद जो तकरार का मामला पेश आया फंड को लेकर, उस मामले का जो है खुलासा करने के लिए मैं जो है आज टीवी चैनल पर आया हूं। और जो है ये मामला है फंड को लेकर, काम को लेकर, जबकि जो है फंड और काम का जो मामला इनके जहनों में है और काउंसलर्स के, वो ये है कि जो है कुछ लोग, चार पांच लोग जो है अपने ही वार्डों में जो है काम रख लिए हैं। व्योम हॉस्पिटल लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक्स लाया है बसवा कल्याण में पहली बार थायराइड टेस्टिंग मशीन, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मिलेगी। व्योम हॉस्पिटल नियर मेगू आई हॉस्पिटल बसवा कल्याण। तो चार पांच लोग नहीं बल्कि जो है 9 लोगों के वार्ड में काम है, जो सेविंग का काम है। सेविंग जो है 2019-20-21 और 21-22 की जो है तक की सेविंग के जो है कुछ हिस्सा है, और जो है ये टोटल 9 लोगों के काम वार्ड में है। इन्होंने चार पांच लोगों के वार्ड में काम रखे बोलकर ऐसा जो है पब्लिक के सामने न्यूज़ चैनल के जरिए तल्ला दिए। और मैं भी ये इस वास्ते इतने दिन इंतज़ार कराया कि जो है ये मामला बड़ी तकरार का है और ये लोग अगर कुछ बैठ कर जो है हल निकालेंगे तो जो है बेहतर रहता है बोलकर मैं भी इंतज़ार किया, इसलिए कोई बैठ नहीं दिया। उसके बाद मैं सारी चीज़ अलग अलग जो है एक बनाया हूँ। ये जो है 9 लोगों का काम इस तरीके से जो है एक लिस्ट है मेरे पास, जो 9 लोगों के वार्ड में है, जो पहली सेविंग के बाद झगड़ा शुरू हुआ। ये झगड़े के बाद सदर साहब हमारे जो है तमाम काउंसलरों के साथ म्युनिसिपैलिटी के जो है गेट के अंदर बजट मीटिंग की फेल होने के बाद जो है गलती हो गई भी मेरे से, आइंदा मैं जो भी काम है तुम लोगों से मशवरा करके रखूँगा बोलकर पूरों को इस तरीके से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने के बाद भी ये लोग जो है अपनी हरकत से बाज नहीं है, और जो है जो पिछली मीटिंग में जो है ये जो मामला करे जो पूरी अवाम के सामने है। और एक बात ये है कि जो है हमारे एक काउंसलर साहब जो है 4.5 करोड़ रुपये नगर उत्थान का फंड MLA साहब सदर साहब को दिए और सदर साहब अपने लोगों के वार्ड में काम रखे बोलकर न्यूज़ चैनल के थ्रू बोले। तो MLA साहब जो काम दिए म्युनिसिपैलिटी को, वो सदर साहब को नहीं दिए, म्युनिसिपैलिटी को दिए। और म्युनिसिपैलिटी को काम देने के बाद 2-3 काउंसलर्स जो हैं जो सदर साहब की ताइद में हैं या सदर साहब के साथ हैं उनके वार्ड में काम है, बाकी जो काम है सदर साहब के अगेंस्ट जो कर रही वो लोगों के वार्ड में काम है, जिसमें टोटल जो है 15 वार्ड में काम है। ये 15 वार्ड में 4 वार्ड ऐसे हैं जो सदर साहब की ताइद के लोग हैं और 11 वार्ड ऐसे हैं जो अपोजिट के लोग हैं। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय ASM सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुलबर्गा। नॉलेज पार्क द क्रिएटिव स्कूल, स्कूल फॉर क्वालिटी एंड इनोवेटिव एजुकेशन। CMM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एडमिशन आर ओपन फॉर BEd एंड MSW। जिसके अंदर जो है मैं ये एक लिस्ट बनाई हूँ तनवीर ग्रुप और गुड्डा ग्रुप बोलकर। तनवीर ग्रुप के वार्ड में जो है सिर्फ 4 लोगों के वार्ड में काम है, और वो भी जो है 1.9 करोड़ या 2.10 करोड़ का काम है। तो फिर 4.5 करोड़ रुपये MLA साहब देने के बाद 1.5 से 2 करोड़ रुपए तनवीर साहब रखते हैं और बाकी के 2.5 करोड़ रुपए कौन रखते हैं। टोटल जो है ये काम MLA साहब के इशारे से और BGP के वर्करों के जो है इशारे पर जो है काम रखे गए। और इसके बाद जो है MLA साहब मीटिंग ख़त्म होने के बाद आकर अंदर बैठ को ये बोलते हैं जो है मैं 4.5 करोड़ रुपये सदर साहब को दियूँ। बोले तो सदर साहब जो है ना तो मेरे वार्ड में काम रखे, ना तो और दूसरे लोगों के वार्ड में नगर उत्थान का काम रखे, और ना उनके साथ जो है उनके वार्ड में नगर उत्थान का काम रखे, तो फिर बाकी ये काम रखे कौन। तो MLA साहब भी ऐसा नहीं बोलना, जबकि ये जो है MLA साहब के सामने 7 तारीख की मीटिंग में भी बड़ी तकरार हुई, उसके बाद 14 तारीख की मीटिंग में आकर MLA साहब अगर ऐसी बात बोलते हैं तो जो है MLA साहब एक बड़ी पोस्ट पे होने के बाद ऐसी बात नहीं बोलना। अगर MLA साहब चाहे तो पहली मीटिंग में ये झगड़ा मिटा सकते थे। MLA साहब के लेटर में इतना पावर है कि वो अपने एक लेटर पैड पे दिए हुए कामों को वापस दूसरे वार्डों में रख सकते हैं। तो फिर MLA साहब दूसरे वार्डों में लेटर देकर रखना था, उसमें क्या बड़ी बात थी। जब MLA साहब ऐसा नहीं कर को काउंसिल को जो है दो तरफ से झगड़ा हुआ होता हुआ अपने आंखों से देखने के बाद भी जो है ये मसले को हल नहीं करते, तो बड़े ताज्जुब की बात है। गांव के MLA साहब होने के बाद
उनकी मौजूदगी में इतनी बड़ी तकरार होती है और जो है उन्होंने जो है ये मामले को हल नहीं करते तो बड़ा जो है हमको आश्चर्य है, बड़ा जो है सोच का मुकाम है। ऐसा नहीं करना चाहिए MLA साहब। आज भी MLA साहब जिन लोगों के वार्ड में काम नहीं है अपने एक लेटर प्याट पे जो है DC साहब कन जो है देकर काम उन लोगों के वार्ड में रख सकते हैं जहां पर जो है जो लोग तकरार कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। ये नहीं करके MLA साहब बल्कि जो है ये बोलकर जाते हैं कि मैं सदर साहब को 4.5 करोड़ रुपये दियूँ, तो ये जो है गलत बात है। अगर ये सही बात है तो हमारे सदर को भी बुलाना, न्यूज़ चैनल वालों को भी बुलाना और जो है MLA साहब ये बात का खुलासा करना बैठकर, ऐसा जो है काउंसिल के अंदर झगड़ा नहीं लगाना। ये बात बोलने से काउंसिल के अंदर झगड़ा ज़्यादा मच गया है, ना इत्तेफाकी ज़्यादा मच गई है, तो ये चीज़ गलत है। और जो है दूसरा मामला ये है कि जो है सदर साहब जो लोगों के वार्ड में काम रखें पिछली सेविंग का, वो ये लिस्ट है। तनवीर ग्रुप के वार्ड में जो है 6 लोगों के पास काम है और गुड्डा ग्रुप के 4 लोगों के पास काम है। ये सारी चीज़ जो है मैं फेसबुक पर भी डाल देता, ये तुम भी देख लो। और ये ना मेरे घर का पेपर है, ना तो जो है ये मेरे घर में प्रिंट होता, ना तो ये मेरे घर में निकलता। ये ऑफिशियली पेपर है जो हम जो है हमारे ऑफिस के JEE से जाकर नगर उत्थान के काम के एक्शन प्लान की कॉपी है, ये जेरॉक्स कॉपी है, कोई सर्टिफाइड कॉपी नहीं है। तो ये सारी चीज़ जो है जितने लोग बिल्कुल जो है उनके जहन में गलत बात बैठी हुई है वो लोग ऐसी कॉपी हाथ में लेकर अपना जो है मामले को जो है दुरुस्त कर लेना, वरना ये नाइत्तेफाकी का मामला चलते रहता और हालात ऐसी जो है बिगड़ते रहते। अब दूसरी और ये बात है कि जो है जो इतना बड़ा मामला पेश आए म्यूनसिपालिटी के अंदर, इसके ताल्लुक से मेरा अवाम से भी एक सवाल है। क्या अवाम, हर वार्ड की अवाम या गांव के कुछ जिम्मेदार लोग, अरे भाई तुम जो है ये जो तकरार करें क्यों करें बोलकर 1-2-4 काउंसलरों को बुलाकर जो है पूछना था। ये जो है काउंसलरों की तकरार है, ठीक है काउंसलरों की तकरार है, तो वहाँ म्यूनसिपालिटी के अंदर जो है लेडीज़ भी चुनकर ऐसा है, लेडीज़ काउंसलर भी हैं, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, क्या बर्ताव हो रहा है और क्या हालात हैं, आप अपने मोबाइल में स्लो पोजीशन में 25 की जो है रेंज रनिंग पोजीशन को जो है आप मोबाइल को अपने डाल कर देखो, आपको हर चीज़ मालूम होंगी कि वह हालात कैसे पेश है। जो आदमी जो हरकत किया है, जो काउंसलर जो है वार्ड नंबर 3 से चुनकर आया है करीम, उसके वालिदा भी चेयरमैन थे पिछले में और उन्होंने भी हमारे वार्ड में काम नहीं रखे थे करीम साहब, सेविंग तो उन्होंने किसी से मशवरा नहीं करे, हम करीम साहब के खिलाफ थे उस वक्त। तो करीम साहब हमारे वार्ड में काम नहीं रखे तो हम नहीं करें ऐसी तकरार जैसी तकरार करीम साहब करें। और आप वो स्लो मोशन में डाल कर देखो, खामोश ठहरे हुए काउंसलरों को इशारा कर झगड़े के लिए उकसाए हुआ आदमी करीम है। तो क्या ये दुरुस्त है? क्या आप लोगों की ये जवाबदारी नहीं है समाज के लोगों की जो है, भाई तू क्यों उछकाया इनको बोलकर पूछने की? और जो है जो लोग करीम साहब के साथ बैठते हैं वो भी दानिश्वर लोग हैं, वो लोग भी सवाल करना कि तू हरकत करे, ये समाज में अखलाक से गिरे हुई हरकत है तेरी। ये हरकत मजहब इस्लाम के अंदर मुसलमान का जो है ये सेवा नहीं है। आपकी हरकत से जो है क्या मामला पेश आए और जो है वो सामने वाले लोगों के जो है क्या रुझानात थे उसको हम कैसा थमें वो हमको मालूम है, वरना आप जो है ये मामले को एक फसाद की तरफ लेकर जा रहे थे। आप समझ रहे हैं कि आपकी ये छोटी सी हरकत, समझ रहे हैं आप इसको? आप ये जो है सबसे घिनौनी और सबसे गिरे हुई हरकत है आपकी ये। और न्यूज़ चैनल के थ्रू ये बोलना इस वास्ते ज़रूरी है कि जो है आप जो काम करें वो काम टोटली समाज के अंदर जो है खत्ता ही काबिल कबूल नहीं है। ये कामों की कोई अहमियत नहीं है, काम जो है आज भी जो है जो काम है वो तुम पूरे लोग मिलकर रख लो, मगर जो है कम से कम इंसानियत की बात तो करो। हम 18 लोगों में काम रखते हैं बोले तो तनवीर साहब के जो है बाकी 12-14 लोगों को काम कहाँ से ला कर देंगे? जो 9 लोग काम रख लिए उनको काम नहीं रखो, बाकी हम 22 आदमी को काम रखते हैं बोले तो ये इंसाफ की बात है? और इंसाफ की बात करो ना आप, कौन रोके आपको इंसाफ की बात करने? आप इंसाफ की बात नहीं बल्कि ग्रुप की बात कर रहे, दुश्मनी की बात कर रहे, ये गलत है। ये बात मत करो और ऐसी दुश्मनी पैदा मत करो, क्योंकि जो है तनवीर साहब अगर किसी की हेल्प करें तो जो है अपने घर से जो है पैसा लाकू लगा को हेल्प नहीं करें, ये गवर्नमेंट का फंड है और हर आदमी पहले जो है अपने करीबी लोगों को जो है हेल्प करता है। मैं करीबी हूँ तनवीर साहब का, अगर उन्होंने मेरी हेल्प करें तो मैं तनवीर साहब की भी हेल्प किया हूँ, मैं उनको बन मुट्ठी मैं भी उनको मदद किया हूँ।
क्या मदद किया हूं तो कुर्सी पर बैठने के लिए जो है चुप नहीं बैठता आदमी। मैं मेरे तरफ से भी, मेरे साथ वालों की तरफ से भी बोलता हूं, मेरे साथ के लोग भी जो है उनकी जो है बंद मुट्ठी मदद करें। अगर खुलकर ही मोबाइल पर जो है न्यूज में ये बात बोलना भी है तो बोल सकते, मगर जो है ये अखलाक से गिरे हुई बात होती है। मैं इस वास्ते नहीं बोल रहा, अखलाक से गिरे हुई बात करना जो है मेरे अपने अंदर नहीं है, क्योंकि मैं मीटिंग खत्म हुई बोलकर बाहर आया था, अंदर झगड़ा शुरू हुआ। झगड़ा शुरू हुआ तो ऐसा झगड़ा करते हैं आप जो है डोर लॉक करके लोगों को बंदी बनाकर झगड़ा करते हैं। क्या समझ रहे हैं आप अपने आप को? क्या आप ही के पास जो है बात करने की सलाहियत है? क्या आप ही के पास ताकत है? क्या आप ही के पास हिम्मत है? ऐसा नहीं है मेरे भाई। आप जो करें वो सोचो, बैठ कर अकेले में सोचो, आपके माँ बहन के साथ अगर ऐसी हरकत होती तो आप क्या करते थे? अगर आपके माँ बहन के साथ ऐसी हरकत होती तो आप क्या खामोश रहते थे? मगर दूसरे आदमी को खामोश हम सारे लोग मिलकर करें, मेरे साथ के सारे लोग उनको जो है इसको जो है जहाँ का वहाँ छोड़ दो, पैक कर दो बोलकर बार बार समझे, वरना ये जो है बहुत दूर चले जाने वाली थी बात। ऐसा मत समझो हम कर दिए और जो है इन्हों क्या कर लिए बोले, जैसा नहीं है। क्या कर लिए बोले तो समाज में सबसे पहले हमारी इज्जत जाती है, पत्थर उठाकर मारने वाले की इज्जत जाती है, मार खाने वाले की इज्जत नहीं जाती। तो हम पत्थर उठाकर मारने वाले लोग नहीं हैं साहब, हम मार खाने वालों के बीच में आकर बचाने वाले लोग हैं। हमारी बात को समझो और जो है जो मामला पेश आए वो मामले को जो है यहीं पर ख़त्म करने के लिए जो है मैं मेरे जिम्मेदार लोग जो है मेरी पार्टी के उनसे भी अपील करता हूँ और समाज के लोगों से भी अपील करता हूँ।